हाय गाइस, बहुत लंबे समय बाद मैं वीडियो बना रही हूँ और बहुत ही क्या बोलते हैं, इमरजेंसी में मैं कहीं जा रही हूँ। कहीं जा रही हूँ क्या, घर जा रही हूँ। कोई सस्पेंस रखने वाली बात ही नहीं है। और अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और हम लोग निकल रहे हैं बिकॉज़ मम्मी की थोड़ी तबीयत ख़राब है, मेरी मदर इन लॉ की, तो फिर इसलिए हम लोग जा रहे हैं। और सरप्राइज़ है, मम्मी पापा को पता नहीं कि हम लोग आ रहे हैं, तो इसलिए रास्ते में जहाँ जहाँ हम लोग चलेंगे तो वो तो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। मैंने सोचा आप लोग के साथ एक लाइव अपडेट दे दूं और आप लोग को बता दूं। मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, फिर से आप लोग को पता चल ही रहा होगा, लेकिन हाँ पहले से मच बेटर है, ठीक है। इसलिए हाय बोलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा, तो अभी जय हम श्री गाड़ी में कृष्णा बैठे हुए बोलो। हैं और ये गए हैं, ये अपनी चाबी भूल गए थे तो वो लेने गए हैं, तो वो लेके आते हैं, फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। जैसे ही निकलेंगे तो जहाँ भी रुकेंगे या जितना पॉसिबल हो पाए मैं रिकॉर्डिंग करूँगी, आप लोग को दिखाऊँगी। मिलती हूँ थोड़ी देर बाद में, तब तक के लिए स्टे ट्यून गाइस, बाय। बाय। आप देख ही सकते हैं कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि मैं कहाँ जा रही हूँ, तो ये यमुना एक्सप्रेस हाईवे है आपने जैसा देखा, और ये मॉर्निंग हो रही है और यहाँ सूर्योदय हो रहा है। हम लोग निकल चुके हैं 5:30 बजे के सुबह के। मैंने सोचा थोड़ा सा उगता हुआ सूरज आप लोग को दिखा दूँ, क्योंकि अक्सर शहरों में जो है मॉर्निंग लेट ही होती है, तो इसलिए। लेकिन बहुत टाइम बाद मैंने उगता हुआ सूरज देखा, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता सुबह सुबह कि उगते हुए सूरज को हम लोग देखें। बारिश हो जाने के बाद दिल्ली के आसपास का जो एरिया होता है काफ़ी हरा ग्रीनरी आ जाती है, वहाँ पे आप देख ही सकते हैं। ये यमुना एक्सप्रेस के आसपास का ये जो इलाका है ये वो है। और इसके बाद हम आ गए हैं आगरा, क्योंकि इसके बाद मेरे फ़ोन की बैटरी चली गई थी तो हम आ गए थे आगरा। ये आगरा का कुछ नज़ारा है, आप लोग देखिए और एंजॉय करिए। बहुत ही मतलब खूबसूरत और बहुत ही प्यारा सा शहर है, यहाँ पे भी काफ़ी ग्रीनरी है। और उसके बाद जब हम आगरा से मतलब हम लोग जब भी निकले हैं तो इसी रास्ते से निकलते हैं हमेशा, और क्योंकि ये रास्ता थोड़ा पास में भी पड़ता है और थोड़ा मतलब हाईवे रहता है तो थोड़ा सेफ़ भी रहता है। और रास्ते में बहुत सारे थ्रेसर्स देखने को मिले थे हमें, क्योंकि उस समय फसल की कटाई वगैरह के कारण। तो ये हम यहाँ पे आ गए हैं ग्वालियर, और हम MP में आ चुके हैं। तो मैंने फ़ास्ट फॉरवर्ड पे इसलिए लगा दिया क्योंकि बहुत लंबी लंबी क्लिप थी और जितना मैं पॉसिबल हो सका मैंने रिकॉर्ड किया, क्योंकि घर वालों के फ़ोन भी आ रहे थे। और हमने बाद में बताया जब हम आधे रास्ते आ गए तो बताया कि हम लोग आने वाले हैं। और ये शिवपुरी का होटल है जहाँ हम लोग चाय के लिए रुके थे, क्योंकि हम लोगों ने सुबह से कहीं भी गाड़ी नहीं रोकी थी, क्योंकि हम आपने टाइटल से पढ़ा ही होगा कि हम इमरजेंसी में घर गए थे, मम्मी की तबीयत ख़राब थी। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी तेज़ बारिश मिली, जैसे ही हम शिवपुरी से बाहर निकले हमें बारिश बहुत तेज़ मिली और कुछ ही दूर तक मिली, उसके बाद बंद हो गई थी। देन इसके बाद हम आएँगे सलकनपुर मंदिर, जो कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा सा देवी माँ का मंदिर है, और अगर कभी पॉसिबल हो पाया तो मैं ज़रूर आप लोग को वहाँ के दर्शन कराऊँगी। आप देख सकते हैं पहाड़ पे बना हुआ मंदिर है, और मैं आपको जूम इन करके दिखा दूँगी कि कितना सुंदर मंदिर है, और पहाड़ों के ऊपर बिल्कुल चोटी पे बना हुआ है, और रास्ता भी आपको साफ दिख रहा होगा कि कैसे जाना है यहाँ पर। ये देवी माता का मंदिर है, मैं भी कभी नहीं गई, सिर्फ नाम सुना है। दूर से दर्शन आप लोग भी कर लीजिए, जय माता दी। मम्मी की तबीयत सडन ख़राब हो गई, और सडन हम लोग का प्लान बना नहीं मम्मी को देखने जाना है इसलिए, और मेरी भी तबीयत बहुत दिन से ठीक नहीं चल रही है, तो इस वजह से मेरे कोई वीडियोस एंड ब्लॉग आप लोग को मिल नहीं रहे होंगे। तो मैंने सोचा एक लाइव अपडेट आप लोग को शेयर कर दूं कि मैं इंदौर से वापस आ चुकी हूँ, वहाँ पे बिल्कुल भी कुछ भी शेयर करने का या कुछ भी रिकॉर्ड करने का समय नहीं मिला गाइस, उसके लिए सो सॉरी। बट अगली बार अगर जब भी मैं जाऊँगी बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाले हैं आने वाले टाइम में, तो प्लीज़ साथ में बने रहिएगा। इसके बाद हम पहुँचे हैं ब्यावरा, और यहाँ पर इतनी तेज़ बारिश हुई थी, इतनी तेज़ बारिश हुई थी कि हम लोग रात को 12 बजे तक पहुँचे, क्योंकि यहाँ पर यहाँ के बाद में हमें सिर्फ बारिश ही मिली है, इंदौर तक पूरी बारिश 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 मिली है हमें। इसके बाद हम आ गए हैं देवास, और देवास के ये देवास आप लोगों ने देखा ही होगा, यहाँ पे चामुंडा माँ का मंदिर है, बहुत ही फेमस जगह है। तो इसके बाद मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ गाइस, क्योंकि फ़ोन की बैटरी डेड हो जाती है, और इसके बाद घर पहुँच के कुछ भी टाइम नहीं मिलता, उसके लिए सो सॉरी गाइस। सामने से मैं आपको यहाँ पर आके मिली हूँ, देखिएगा। मतलब रात में आए, घर गए हुए थे, मम्मी की तबीयत ख़राब थी,
तो इसलिए, और मेरी भी तबीयत ख़राब थी तो फिर हम लोग घर गए थे और कल रात में आए हैं। तो अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, क्योंकि अभी ये उठे हैं। तो